तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षाओं को अब लगभग एक महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में आप सभी के मन में इस बात की चिंता जरूर होगी कि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है कहां से बनकर आएगा, कौन कौन सी चीज़ों में से कितना पूछा जाएगा और क्या बोर्ड परीक्षा का पेपर ज़्यादा कठिन होगा या फिर ज़्यादा सरल होगा। और ख़ासकर आपको ये जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि कुछ हमें ऐसा हिंट मिल जाए जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कहाँ कहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चंस बैठेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मैंने उपलब्ध करवाया है। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सब लोग आसानी से ये समझ सके कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो कहाँ से बनने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि साल भर आप सब लोगों ने खूब अच्छे से डट के मेहनत की होगी और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा, मगर चिंता तो उन लोगों को भी अब सताने लगी होगी कि अब बोर्ड परीक्षाओं में क्या होगा, अब तो एक महीने के भी कम का समय बचा है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन बैठते हैं और उनकी तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, एक महीने में आप लोग किस प्रकार से अच्छी रणनीति बना के बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको तैयारी के लिए तीन स्तर से बताने वाला हूँ, यानी कि तीन स्टेप्स मैं आपको तैयारी के लिए बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ही समय पहले एमपी बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए थे कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं के भी। तो वैसे तो आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया होगा, उनको डाउनलोड भी कर लिया होगा और उसका सॉल्यूशन भी आपने याद कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं और उसका सॉल्यूशन याद नहीं किया है तो मैंने सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाकर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके कक्षा 10वीं वाले और कक्षा 12वीं वाले भी अपने समस्त विषय के पेपरों को देख लो। बोर्ड परीक्षा 2024 जो होने वाली है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आ सकते हैं, इसलिए आप सब लोग इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक बार याद जरूर कर लें। मेरे द्वारा कक्षा 10वीं के सभी जो 6 विषय होते हैं और कक्षा 12वीं के जो समस्त विषय होते हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, बायोलॉजी के और एग्रीकल्चर के, इन सभी के मॉडल क्वेश्चन के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बना के मैंने डाल दिया है, यहाँ तक कि अथवा वाले प्रश्न के उत्तर भी मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। और सभी के सभी जो उत्तर है आदर्श उत्तर है, यानी कि ये है कि अगर आप इसको परीक्षाओं में लिखकर आओगे तो इसका आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब चलेगा, एक तो ये हो गया, तीन स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर। पहला स्टेप तो ये कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो एमपी बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। और अभी तक आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर याद नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करो कक्षा 10वीं वाले भी और कक्षा 12वीं वाले भी, और वहाँ से अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लो। तो एक आपकी स्टेप तो ये हो गई, अब दूसरा क्या करोगे? दूसरे में आप लोग ये करो कि आपके पास में अगर उपलब्ध हो तो ठीक है, या फिर किसी से आपके दोस्त हो या कई जो पिछले साल के पेपर हो वो कहीं से अगर आपके पास में जुगाड़ हो जाते हैं तो उनको आप लोग जो जो क्वेश्चंस उसमें उपलब्ध हुए हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लें और उनको भी आप लोग देख लें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बोर्ड परीक्षाओं में पिछले साल के पेपरों से भी पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने दो स्ट्रेटजी, यानी कि ये समझिए आपको दो स्टेप्स मैंने बता दिए आपकी तैयारी को लेकर। एक तो ये कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे उपलब्ध करवा दिए हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो कि जारी किए गए हैं, और दूसरी ये कि पिछले साल के कम से कम दो साल के पिछले, यानी कि 2023 के और 2022 के, इन दोनों सालों के क्वेश्चन पेपर आप लोग कहीं से जुगाड़ लो और वहाँ से आप लोग उनका सॉल्यूशन याद कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पिछले साल के पेपरों से पूछे जाते हैं। तो दो रणनीति आपकी ये हो गई, अब तीसरी रणनीति क्या होगी? तो देखिएगा तीसरी रणनीति में आप ये समझ सकते हो कि आपके जो भी विषय पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे आप लोग आईएमपी क्वेश्चन लगवा सकते हो, आपके पास कुंजी गाइड जो भी है उसमें, या फिर आपके पास में कोई टीचर भी आपकी मदद नहीं कर रहा है तो मैंने आप सभी के लिए आईएमपी क्वेश्चन के वीडियो भी बनाए थे, हो सकता आपने देख लिए हो, नहीं देखे हैं तो मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इन तीन रणनीति को बनाकर आप लोग चले, क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन याद करना है, दूसरी बात पिछले साल के दो साल के पेपर का सॉल्यूशन याद करना है, और तीसरी बात आईएमपी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आईएमपी क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उपलब्ध करवाए हैं, वहां पर आप लोग क्लिक करके उन वीडियो को अच्छे से देख ले और उसमें जो जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आप सभी लोगों को उनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। और मैंने जो आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताए ना उसमें से अगर आप मिलान करोगे पिछले साल के जो पेपर थे ना 100% उसमें वो क्वेश्चंस फंसे थे,
और इस साल भी आपके 100% नहीं तो 90% तो बिल्कुल फंसने वाले हैं। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर आप लोग वीडियो डले हुए हैं 2023 के पहले जो मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन बना के बताए थे दिसंबर 2022 में, उनको मिलाइए और इसके बाद में जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उस क्वेश्चन पेपर को मिलाइए, पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें वहीं से फंसते हैं। देखिएगा, मैं आपके आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ पूरी की पूरी आपकी परीक्षाओं में फंसती है आती है, तो आप लोग इस तरह से तैयारी करें। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूँ कि अब आपकी परीक्षाओं को एक महीने का समय बचा है, अब इस एक महीने में ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो देखिएगा, तीन तो ये मैंने स्टेप्स बता दिए आपको क्या क्या करना है। आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन याद करना है, दूसरा पिछले दो सालों के क्वेश्चन पेपर को याद करना है, इसके अलावा आईएमपी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और उनको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और आपके मन में होगी कि जिस तरह से त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह पर ये आसानी से मिल जा रहे थे, आप लोगों ने भी देखा टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे थे और बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी ये आसानी से फैल जा रहे थे, मगर देखिएगा आप लोग इनके भरोसे बिल्कुल न रहे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षाओं के पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होते हैं, इसके लिए तगड़ी सुरक्षा होती है। तो इसलिए आप लोग ये सोचकर बिल्कुल मत बैठो कि जहाँ से हमें त्रैमासिक के पेपर मिल गए थे, अर्धवार्षिक के पेपर मिल गए थे, इस बार भी हमें वार्षिक परीक्षा के पेपर मिल जाएंगे। तो देखो, आप सभी लोगों के पास में अभी काफ़ी टाइम है, एक महीने से भी ज़्यादा का समय है, और एक महीने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। और देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूँ कि बोर्ड परीक्षा के पेपर बिल्कुल लीक नहीं होते हैं, आप सब लोग भी मानते हैं। ये एक अलग बात है कि पिछले साल कुछ पेपर से लीक हुए थे, मगर इस साल एमपी बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है, इस बार पेपर कोई सा भी लीक एमपी बोर्ड नहीं होने देगा और आपको मेहनत कर कर ही पास होना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग किसी के भरोसे भी ना रहे, अपनी मेहनत पर फोकस करें। और दूसरी बात ये है, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिएगा आप लोग क्या करते हो अगर पेपर के भरोसे आप लोग रहोगे ना, तो ये होगा कि किसी ने मान लो कि किसी टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पेपर मिल गया, ठीक है, आप उसके भरोसे दूसरा पेपर दे आए और हो सकता है कि दूसरा पेपर उसने गलत बता दिया, वो पेपर आपका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए देखो, आप सब लोग भी जानते हो कक्षा दसवीं में 6 विषय होते हैं आपके, और 6 विषय के पेपर आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। आप सब लोग भी जानते हो एक पेपर दे देगा, दो दे देगा, सारा थोड़ी बताएगा। उसी तरह से कक्षा 12वीं में भी 5 विषय होते हैं, अब आपको 5 विषय के पेपर थोड़ी मिल पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें, तैयारी पर कॉन्सेंट्रेट करें ताकि आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को मैंने जो 3 रणनीति बताई इसके ऊपर आप लोग फोकस करें। सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन याद करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उपलब्ध करवा दी है। दूसरी बात, पिछले 2 सालों के पेपर हल करके देख लें और उनको याद कर लें। और तीसरी बात, आईएमपी क्वेश्चन अपने टीचर से लगवा लें, या फिर मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करें और देखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है यार आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, ब्रिलियंट माइंड है आपका, या फिर आपने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली, तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बोर्ड परीक्षाएँ भी आपकी लोकल परीक्षाओं के जैसी होती है, मगर उसमें सख्ती थोड़ी ज़्यादा बरती जाती है, कॉपी चेक करने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको बोर्ड परीक्षाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।